हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ऑल अबाउट होम साइंस में। आज हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है फाइबर्स, रेशे के बारे में। तो रेशा क्या है? रेशा क्या है? फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक, यानी किसी भी फैब्रिक का एक मूल इकाई, किसी भी वस्त्र की मूल इकाई है रेशा। तो रेशे की डेफिनेशन क्या हो सकती है? हम ये बोल सकते हैं कि रेशा एक प्रकार से बाल की तरह की एक रचना है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कम 100 गुना होती है, यानी अधिक हो। जैसे हमने ये बाल है, हमारे जो हेयर्स हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई से 100 गुना है, तो ये इस तरह है। ये हो गया डेफिनेशन। लेकिन जितने भी हमारे प्रकृति में रेशा मौजूद हैं, फाइबर्स मौजूद है, क्या सबसे फैब्रिक का निर्माण किया जाता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो इसेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ रेशे की, जो फैब्रिक के लिए जरूरी होती हैं, तो वो नहीं रहता। इस वजह से वो फैब्रिक के निर्माण में वो सारे फाइबर्स यूज में नहीं लाए जाते। अब आप सोचेंगे कि इसेंशियल प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो इसेंशियल जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी हैं, जैसे एडिक्वेट स्ट्रेंथ, पर्याप्त मजबूती हो उसमें, चमक हो उसमें, ये सारे हैं। उनकी लेंथ अच्छी हो, उसमें आपस में सटने की क्षमता अच्छी हो, उनकी अवशोषकता क्षमता, एब्जॉर्बेंसी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तब जाके वो रेशा किसी फैब्रिक के लिए यूजफुल होता है। ये सब आपको जितने भी इसकी क्वालिटी, ये सब आगे मैं आपको बताऊंगी, इलास्टिसिटी क्या है, कोहेसिवनेस क्या है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और ये हो गया आपका रेशा। फिर यहाँ पे आता है यार्न। यार्न क्या है? तो जो रेशे को बांट करके फिर सूत तैयार किया जाता है, जैसे हम आगे उसकी नेटिंग या उसको बीबिंग के योग्य जब करना होता है तब उसको यार्न बोलते हैं। यानी ये जो यार्न है ये बीबिंग और नीटिंग प्रोसेस के लिए अब रेडी है। तो उसके बाद ये क्या करता है? ये फैब्रिक का फॉर्मेशन करता है। अब फैब्रिक तो हो गया, चलो वीविंग नीटिंग, लेकिन वो फैब्रिक नहीं, अब उसमें फिनिशिंग होगा, तब वो आपका टोटली आपका वो फैब्रिक बोला जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका टेक्सटाइल। तो ये टेक्सटाइल क्या है? अब जैसे आपका जो ये फैब्रिक है ये थानों में आता है, अब उससे क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएगा। जैसे हमारी कुर्ती, जींस, टॉप, टी शर्ट, ये सब क्या है, तो अब ये सब हमारे पहनने योग्य हैं। अब इन पे जो भी प्रोसेस, जैसे इनका रख रखाव या फिनिशिंग है, इनकी धुलाई का, ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान दी जाएगी कि क्या चीज़ इनमें प्रोसेस किया जाए कि इन सबके लिए ये सुटेबल रहे। तो ये आपका टेक्सटाइल ये हुआ। आपको समझ में आ गया होगा कि फाइबर्स क्या है। इसकी बेसिक यूनिट फाइबर है, फाइबर से यार्न का बनता है, यार्न से फैब्रिक, और फैब्रिक से टेक्सटाइल, यानी आपके पहनने योग्य जो कपड़े आते हैं वो आपका टेक्सटाइल है। अब आइए देखते हैं कि जो हमारे प्रकृति में जितने रेशों को रेशे कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइबर, यानी फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो फाइबर हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक, दूसरा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। तो जो हमारे नेचुरल होते हैं वो भी तीन प्रकार के हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, दिख रहा होगा। तो पहला वेजिटेबल है, दूसरा एनिमल है, तीसरा मिनरल्स हैं। तो जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो भी हमारे कई प्रकार के हैं, कॉटन है, लिनन है, कोपोक है, जूट है, हेम्प है, ये सब आपके नेचुरल हैं और वेजिटेबल्स हैं। और सेकेंड है आपका एनिमल, यानी ऊल और सिल्क है, ये सभी को पता है। तीसरा है मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर और एस्बेस्टस। और ये आपका जो आर्टिफिशियल है ये भी तीन प्रकार का है, एसीटेट रेयॉन है, एक आपका मैन मेड रेयॉन है, उसमें तीन आते हैं, और एक सिंथेटिक में आपका है, नायलॉन है, डेक्रॉन है, टेरिलीन है, ओरलॉन है, एक्रिलॉन है, बहुत सारे हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो सब मैं आपको बताऊंगी, सारन है, फाइबर ग्लास है, ये सारी चीज़ें आप इसको देख लीजिए, ये जगह आपको मिल जा रहा है, ये लगभग सभी बुक में दिया हुआ है। तो मैं आपको आज बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कॉटन के बारे में पूरा डिटेल में, अब एक एक फाइबर्स के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।